नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पीएमसी फिनकॉप। इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं और जितने भी अपडेट इसमें होते हैं, कुछ भी खबर आती है या कुछ भी इसमें नया होता है, हम आप तक लगातार नई वीडियो पहुँचाते जाते हैं और आपको उसके बारे में अवगत कराते हैं कि उसमें क्या हुआ है। तो अब इसमें जो तेज़ी लगातार चल रही है, हमने आपको जो टारगेट दिया था, हमारा टारगेट भी अब अचीव होता हुआ दिखाई दिया है और ये अब हमारे जो हमने दूसरा टारगेट दिया था उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो उसमें तेज़ी आई है, तो तेज़ी कहाँ तक जाने वाली है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा ये कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी आपको कितना ज़्यादा और आगे भविष्य में आगे जाते हुए दिखाई देने वाली है, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। तो हम सबसे पहले चल के देखते हैं कि इसमें कैसी क्या ट्रेड चल रही है आज के दिन। तो इसमें आज के दिन देखें तो ऑलमोस्ट पूरे दिन अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। 14 पैसे की इसमें तेज़ी आई है जो कि 4.76% के आसपास का इसमें अपर सर्किट है। अब ये 3.08 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 1 वीक का इसका हाल देखें तो 1 वीक में पूरे हफ्ते इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। ये सर्किट टूटा भी था और 20 तारीख को, लेकिन मार्केट बंद होते होते इसमें अपर सर्किट लग गया था। तो लगातार इसमें जो है पूरे हफ्ते तेज़ी देखने को मिली है। 62 पैसे की तेज़ी आई है जो कि 25.20% के आसपास की इसमें तेज़ी देखने को मिली है एक हफ्ते में। 1 मंथ का अगर इसका हाल देखें तो हमने आपको ये शेयर 2 रुपये के स्तर पर सजेस्ट किया था, तो इसलिए 1.96 रुपये के लेवल से अब 3.08 रुपये के लेवल पर लगातार सीधी चढ़ाई कर चुका है। बहुत भयंकर इसमें तेज़ी आ चुकी है। इसमें ऑलमोस्ट 38 पैसे की तेज़ी देखने को मिली है जो कि 14.07% के आसपास की तेज़ी है। 6 महीने का अगर इसका हाल देखें तो 6 महीने में 2.59 रुपये, ऑलमोस्ट 528% के आसपास के इसमें रिटर्न दिए हैं लोगों को। बहुत अच्छा इसमें पैसा बना है 6 महीने में, लोगों का बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा हुआ है। कहाँ ये जो शेयर था 49 पैसे के आसपास का था 6 महीने पहले, और 49 पैसे से अब आप देखिए 3.08 रुपये, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको ये जो शेयर है 2.5 रुपये से ज़्यादा पैसा बना के दे चुका है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। आपको बहुत तगड़ा इसमें पैसा मिला होगा अगर आपने इसको नीचे के लेवल पर बाई किया हुआ होगा। तो ये तो बात है कंपनी का कैसा क्या हाल है, कंपनी ने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया। सबसे मेन जो बात है कि ये अपने हाई जो उसका था 2.80 रुपये, इसको तोड़ के, उसका भी जो चल रहा था हाई, उसको तोड़ के ऊपर जा चुका है। तो काफ़ी तगड़ा जो है इसने जो है अपना जो हाल दिखाया है, अपना परफॉर्मेंस दिखाई, तो बहुत बेतोड़ इसकी परफॉर्मेंस आई है। अपने 52 वीक का हाई बना चुका 3.08 रुपये, तो काफ़ी तगड़ी जो है इसकी परफॉर्मेंस चल रही है इस टाइम पर। ये तो बात है कंपनी के हाल की। अब हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ, कि कंपनी के कैसे क्या फंडामेंटल्स हैं। तो आपको दिखाते हैं कंपनी फंडामेंटल्स। तो आप गौर करें कंपनी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, मात्र 149 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और पी रेशियो इनका 82.69, मतलब कि कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी। महंगी होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, कंपनी फाइनेंशियली अपना आपको बराबर बरकरार रखे हुए अच्छे ट्रेंड में। पीबी रेशियो भी इनका 2.14 का है जो कि सेक्टर के पीबी से थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन काफ़ी अच्छा है क्योंकि कंपनी छोटी है। उस लिहाज से देखिए तो काफ़ी कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। पी रेशियो इनका सेक्टर के पी से काफ़ी ज़्यादा है। फाइनेंशियल ट्रेंड पर आप गौर करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड इनका जो रेवेन्यू है, लास्ट ईयर 970 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 में, लेकिन इस साल का रेवेन्यू जो है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। 5.43 जो है इनका करोड़ का इस साल जो है रेवेन्यू देखने को मिला है इस फाइनेंशियल ईयर 20 जो अपना आया है, फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में। तो रेवेन्यू इनका कम होगा है, लेकिन सबसे जो मेन बात है इनका जो प्रॉफिट था 1.43 करोड़ का, वो अब बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में कितना हो गया, 1.81 करोड़। तो लगातार इनका जो है प्रॉफिट है बरकरार रहा है, अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट किया है, मतलब कि कंपनी लॉस में बिल्कुल भी नहीं गई है, कंपनी प्रॉफिट में लगातार बनी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है पॉजिटिव दिखा रहा है इस कंपनी के लिहाज से अगर हम आपको बताएं तो। ये तो भाई रात पात रही कंपनी के फंडामेंटल जो मेन पी और पी वी रेशियो। अब हम आपको दिखाते हैं आंकड़े कैसे इनके रहे हैं, आंकड़ों में इन्होंने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यू इनका लास्ट ईयर 977 करोड़ का था, 9.77 करोड़ का था। इस साल इनका जो है 5.43 करोड़, 5.43 करोड़ का इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ इनका रेवेन्यू कम हो गया है। कंपनी क्योंकि छोटी है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है रेवेन्यू अच्छा करना। इनकम देखें तो इनकम 1.43 करोड़ की थी लास्ट ईयर, इस साल 1.81 करोड़ की है, तो काफ़ी अच्छा इनका इनकम में बढ़ोतरी देखने मिली है। अर्निंग पर शेयर भी 3 पैसे से 4 पैसे पहुँच चुकी है, तो काफ़ी इंक्रीमेंट इसमें भी देखने को मिला है। होल्डिंग्स चलते हैं हम कंपनी की, सबसे जो मेन चीज़ इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो आप गौर करें कंपनी की होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग 20.29 की इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग, काफ़ी कम होल्डिंग दिखाई दे रही है प्रमोटर्स की, लेकिन सारी क्या है
अनप्लज्ड है, मतलब कि बिल्कुल भी होल्डिंग इनकी गिरवी नहीं है। सबसे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कंपनी की गिरवी नहीं होल्डिंग, और लगातार जो है इनका जो हाल रहा है 1 साल से ज़्यादा उनका हो चुका है, और इनकी होल्डिंग जो है प्रमोटर्स की कांस्टेंट बनी हुई है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी घटाया नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। कंपनी का रेवेन्यू कम होने के बावजूद जो है इस कंपनी ने अपना जो है प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है बरकरार रखा है, बराबर रखा है। और म्यूचुअल फंड की डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाया है। रिटेलर्स ने इसमें लगभग 79.7%, मतलब कि ज़्यादातर पैसा जो किसका लगा हुआ है अपने रिटेलर्स का लगा हुआ है, तो भारी भरकम अमाउंट में पैसा है रिटेलर्स का। तो कंपनी का अगर फंडामेंटल्स देखें तो बहुत बेहतरीन है, कंपनी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, कंपनी के पास एसेट्स भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी का पी रेशो भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी महंगी है, मतलब क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है तो महंगी होना उसका बनता भी है कंपनी, क्योंकि अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो महंगी अपने आप होती चली जाएगी। ये तो बात है कंपनी फंडामेंटल्स की। अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ, कि चार्ट पे इनका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आप गौर करें, हमने आपको जो लास्ट वीडियो था हमारा, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने हमारे पुराने वीडियो जरूर देखा होगा। तो इस जो हमने आपको पुराने वीडियो में टारगेट दिया था, वो दिया था 2 रुपये 85 पैसे का, वो हमारा टारगेट अचीव हो गया था 2 रुपये 85 पैसे का। तो ये तो बात रही कि इसका क्या अचीवमेंट्स रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो हाल रहा है, अगर आप गौर करें इस लेवल पर जो इसका लेवल था 1 रुपये के आसपास का, यहाँ से इसने सीधी चढ़ाई की थी 2 रुपये 85 पैसे तक, जो इसका अपना हाई भी था, जो अब ये तोड़कर ऊपर जा चुका है। फिर हमने इस लेवल पर जब ये पहुँच गया था, हमने आपको आगाह किया था कि बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें आ चुकी है, थोड़ा सा अब इसमें संभालने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसका RSI काफ़ी ज़्यादा पहुँच गया था, 90-98 के आसपास का इसका RSI पहुँच गया था 90 के ऊपर। तो जब भी छोटे स्टॉक में यह होता है, RSI हाई पहुँचता है, तो गिरावट देखने को हमेशा मिली है। आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लीजिए, रिलायंस पावर, TTML, रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, किसी भी स्टॉक को उठा के देख लीजिए, छोटे शुगर जो सेक्टर जो शेयर है उसमें जब भी जो है RSI हाई पहुंचता है क्या होता है, गिरावट देखने को मिलती है। और इसमें भी वही चीज़ देखने को मिली और इसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इसने अपनी हिस्ट्री रिपीट की। आप देखिए जब भी इसका RSI हाई पहुँचा है, आप गौर कीजिए इस लेवल पर जब इसका RSI यहाँ पहुँचा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 94 के आसपास पहुँच गया था, फिर क्या हुआ था, इतनी अच्छी बुलिश रैली देखने के बाद क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली। तो ये चीज़ इसमें पहले भी हो चुकी थी, तो ये चीज़ दोबारा से इसमें देखने को मिली और आगे भी यही चीज़ रिपीट होगी। छोटे स्टॉक में ये चीज़ हमेशा होती हुई आई है और हमेशा होती हुई आगे भी आपको दिखाई देगी। तो देखिए आप, फिर क्या हुआ, इसमें गिरावट देखने मिली, जैसे ही इसने अपने गिरावट का वक्त खत्म किया, फिर क्या हुआ, इसने बूम ऊपर की तरफ ट्राई की और सीधे ये ऊपर पहुँच गया 2 रुपये 84 पैसे। अब देखिए तो अभी ये थोड़ा सेफ जोन में चल रहा है, मतलब कि इसका भी आप बाइंग काफ़ी अच्छे लेवल पर आपको मिल रही है, आपका अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है और आपको इससे पैसा अभी मिल सकता है। आपको जैसे ही ऑर्डर आप लगा सकते हैं तो आपको पैसा इसमें मिलेगा, बाइंग अभी चल रही है, अच्छा मौका है बाय करने का। लेकिन अभी बाय करने पर आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना प्रॉफिट आपको नीचे के लेवल पर आने पर होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत सारा से प्रॉफिट चाहिए, बहुत सारा से पैसा बनाना है, तो इसका अभी आप वेट कीजिए नीचे आने का, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो आपको फिर से ये ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अपने हाई को तोड़कर, 52 हफ्ते की जो इसका हाई था उसको तोड़कर ऊपर जा चुका है। तो आपको इसमें क्या करना है, वेट करना है अपॉर्चुनिटी का आपको, क्योंकि अभी समझ लीजिए कि अभी आपकी एक बस चली गई है, क्योंकि हमने आपको बोला था बस कहाँ पर आएगी, आपको 2 रुपये के लेवल पर बस आती हुई मिलेगी, मतलब कि अपॉर्चुनिटी आपकी 2 रुपये पर थी। इस लेवल पर अगर आप बाई करते तो आप खुद देख सकते हैं आपके कितने अच्छे रिटर्न इससे मिल सकते थे। लेकिन अगर आप इस लेवल पर बाई नहीं कर पाए तो अभी आप थोड़ा सा बाई ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे अभी नहीं होगा, प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। तो अभी आप क्या करें, थोड़ा सा रुक जाइए, आप इस लेवल पर आने का वेट कीजिए, इसका इसका थोड़ा सा नीचे आने का वेट कीजिए, जब ये नीचे आएगा तो आपको दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब आप बाई करेंगे तो आपको बहुत सारा इससे पैसा मिलेगा। तो इसकी जो सपोर्ट लेवल रहने वाले हैं, तो आपका 2 रुपये का सपोर्ट फिर से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, इसकी बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और आपका सेकंड सपोर्ट जो अब रहने वाला है, तो जब इसने अपना जो अपना हाई तोड़ा है 2 रुपये 85 पैसे, अब इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट रहने वाला है, ये अब काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा आने वाले समय में, आपकी ये फ्रेश बाइंग का पोजीशन भी रहने वाली है 2 रुपये 85 पैसे। जब ये गिर के नीचे आएगा तब आप इस लेवल पर अपनी बाइंग का सोच सकते हैं 2 रुपये 85 पैसे, जब ये अपना वक्त ख़त्म होगा इसका बढ़ोतरी का। मैं आपको नई वीडियो लेके आऊँगा, बिल्कुल फ्रेश वीडियो, कि आपको आगे क्या करना है, किस लेवल पर ये गिरने वाला है। अभी इसका RSI काफ़ी ज़्यादा नहीं पहुँच पाया, तो अभी इसमें गिरावट नहीं आने वाली, अभी इसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलने वाली है। जब इसका RSI 90 के आसपास पहुँच जाएगा तब जाके इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी, तो अभी तो उसके लिए वक्त है। तो अभी जो है आप इसमें थोड़ा सा सतर्क होकर बैठिए बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें फिर
गिरावट देखने को मिलेगी। तो हमारा अगला टारगेट जो हमने आपको दिया है वो दिया है 3 रुपए 45 पैसे, हमने आपको दिया था ये टारगेट आपको बहुत जल्द अब अचीव होता हुआ मिलेगा। ये आपका बहुत अलर्ट पॉइंट भी रहने वाला है 3 रुपए 45 पैसे, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्योंकि तेज़ी आ चुकी है और अभी तेज़ी अभी आना बाकी है, अभी इसमें और भी तेज़ी रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी कल के दिन इसमें गिरावट आ जाएगी, भैया बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आपको अभी तेज़ी बिल्कुल मिलने वाली है आगे आने वाले समय में भी। तो आपका टारगेट कौन सा रहेगा 3 रुपए 45 पैसे, और आपकी फ्रेश बाइंग कहाँ पर रह सकते हैं जब ये नीचे आएगा 2 रुपए 85 पैसे के लिए पर आपकी फ्रेश बाइंग आपकी रह सकती है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि अभी आप इसमें रुकिए, वेट कीजिए सही अपॉर्चुनिटी का, पैसा आपको बनाना है तो सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा, शेयर मार्केट का यही रूल है, और आपको सही समय पर सही मूव खेलना है तभी आपको पैसा मिलेगा, और पेशेंस रखना है, पेशेंस से ही पैसा मिलेगा, और सही टाइम पर एग्जिट करना भी आपको सीखना है। सही टाइम पर एग्जिट कब करना है मैं आपको बताऊंगा कि आपको कब इस लेवल से निकलना है और कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो दोस्तों यही आपको मेरी सलाह है कि आपको इस कंपनी पर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, दोनों तरह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तब भी आपको इस कंपनी से पैसा मिलेगा, शॉर्ट टर्म में भी इस कंपनी से आपको पैसा मिलेगा कंपनी क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।